जगमग जगमग दीप जले, रोशन है हर कोना, घर बार सजे, हर द्वार सजे, धन धान और बरसे सोना। यूं तो आसमान तारों की टिमटिमाहट से हर रात रोशन होता है, मगर अमावस्या गगन को गुप्त अंधेरे से भर देती है। ऐसा लगता है जैसे अंतहीन निशा छा गई हो, लेकिन हर रात का एक सवेरा जरूर होता है, हर अंधियारे को मिटाने वाली उम्मीद की एक रोशनी, हर बुराई को पराजित करने वाली अच्छाई हमेशा बसती है। और इसी का प्रतीक है कार्तिक की अमावस्या को मनाया जाने वाला त्यौहार दीपावली। दिए, मिठाई, लाइट, रंगोली, नए कपड़े, लक्ष्मी गणेश की पूजा इत्यादि, यूं तो आमतौर पर ऐसी होती है, लेकिन वो कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहीं बहुविधि सब संता, एक बात एक भगवान और उनसे सुनने सुनाने वाले लोग हजार। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है सही और गलत का। आखिर कैसे मनाएं दीपावली, कौन सी विधि से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, किस विधि से पूजा करनी है और कैसे भरेगा आपका भंडार, किस शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना करनी है और किस मुहूर्त में लाभदायी रहेगी। हजारों सवाल और जवाब सिर्फ एक। जी हाँ, आपने सही सुना, न्यूज इंडिया पर हम आपको बताएंगे दिवाली मनाने का सबसे उचित तरीका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ चारुल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कैसे मनाएं दिवाली। तो दीपावली को लेकर तमाम प्रश्न है, 31 को मनाएं या फिर 1 तारीख को मनाएं, इसी के साथ साथ किस मुहूर्त में पूजा अर्चना करें, कैसे करें, क्या अर्पित करें, ये तमाम सवाल आपके मन में हैं, जहन में हैं। तो ऐसे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए न्यूज इंडिया की इस खास पेशकश पर हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे, एस्ट्रोलॉजर्स जुड़ेंगे, जो आपको बताएंगे आपके सवालों का जवाब कि आपको किस मुहूर्त में पूजा करनी है, किस तरह से पूजा करना आपके लिए शुभ फल लेकर आएगा, माँ लक्ष्मी को, श्री गणेश को क्या अर्पित करना चाहिए, जिसके अर्पण मात्र से ही आपकी झोलियाँ जो हैं वो भर जाएंगी, खुशियों का भंडार आपके घर में आएगा, जगमग जगमग रोशनी वाली ये दीपावली आपके जीवन में कैसे अंधेरे को मिटाकर रोशनी लाएगी, ये तमाम सवाल अगर आपके मन में हैं तो इससे जुड़े हुए जवाब के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास पैनल मौजूद है। तो चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मधुर शास्त्री जी हिंदू धर्म गुरु हैं, एस्ट्रो गुरु मृगेंद्र चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अलंकृता मानवी अब से बस कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, और पंडित ओम प्रकाश लखेरा हिंदू धर्म गुरु के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सभी खास मेहमानों का हमारे साथ स्वागत है। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी मधुर शास्त्री जी। देखिए, इस बार हम देख रहे हैं दीपावली को लेकर अलग अलग दिन जो हैं वो कहे जा रहे हैं, 31 तारीख के लिए भी कहा जा रहा है, 1 तारीख के लिए भी कहा जा रहा है। अब ऐसे में अगर कोई पूजा करे तो ऐसा क्या अर्पण किया जा सकता है कि माँ लक्ष्मी और श्री गणेश खुशियों के भंडार भर दे, धन से घर को भर दे? श्री गणेशाय नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः, चंद्रानाम चंपक पुष्प वर्णाम अहलादनी श्रीपते चित्त वृत्ति, गो गोप गोपी नयनाब्ज भृंगी, नमामि राधाम वृषभानुपुत्री। आपका धन्यवाद चारु शर्मा जी। और माँ भगवती पराम्बा जगत जननी जगदम्बा सर्वव्यापी हैं। माँ पराम्बा की पूजा करने से दीपावली का विषय मेरा कहना मात्र बस इतना रहेगा आपसे कि माई की आराधना करनी चाहिए व्यक्ति को, इस झंझट में नहीं पड़ना चाहिए व्यक्ति को अब एकादशी 31 तारीख को मनाएं या 1 को मनाएं, अरे प्रभु की कृपा से हमें 2-2 दिन मिले हैं, दोनों में आराधना करिए। लेकिन विशेषतः विशेष रूप से यदि व्यक्ति को पूजन करना है, माई की आराधना करनी है, तो वो करे 1 तारीख में। कैसे करे, क्या करे, ये सब मैं आपको बताऊँगा। आप कि सर्वप्रथम चारुल जी, आप मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार से लोगों को अवगत कराऊं, कि सीधे पूजा के विषय में बताऊं
या इन लोगों क्या अर्पण करना चाहिए, मतलब क्या क्या खास चीजें हैं, क्योंकि कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी को अलग अलग, जैसे पान पसंद है, कमल पसंद है, ऐसे क्या अर्पित किया जाए कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए। वास्तविकता तो यह है कि माई को भगवान श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है चारुल जी कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये जो दीपोत्सव है इसे आनंद से, हर्ष उल्लास से जिसे हम लोग मनाते हैं, ऐसे दीपावली के पावन त्यौहार में अगर मैं कहूँ, अपनी मैं अपनी बात रखूँ, तो अपने मन की पवित्रता को माई के चरणों में रखूँ। ऐसे तो लिखा हुआ है पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये मे भक्ता प्रेक्षति, ऐसा लिखा हुआ है कि ये मे भक्ता प्रेक्षति, बड़े भाव से बड़े श्रद्धा से अपने तेरे मन में जो भी जाति पुष्प जो भी तेरे पास है उसी को अर्पण कर दे। मेरा बस यही निवेदन है कि माँ भगवती के लिए कमलगट्टा है, पुष्प है, कुमकुम है, चावल है, मीठा पान है, है? इस प्रकार से कुल सामग्रियों को माई को अर्पण करना चाहिए और माई से प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात मधुर शास्त्री जी ने कही कि अगर आपके भाव सच्चे हैं तो आप सच्चे भाव से कुछ भी अगर भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं और उसका शुभ फल भी देते हैं। अलंकृता जी, एक गृहिणी हैं और एक गृहिणी के हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौन सा शुभ मुहूर्त होगा, किस तरह से पूजा की तैयारियां की जाएं ताकि माँ लक्ष्मी और श्री गणेश के साथ साथ कुबेर देव भी प्रसन्न हो। जी, सबसे पहले तो न्यूज़ इंडिया के सभी दर्शकों को इस महापर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए दोस्तों कुछ काम विशेष करते हैं, रोशन गाँव गली मोहल्ला और देश करते हैं गणपति गजानन महाराज। अलंकृत जी माइक ले लीजिए, वंदन करते हुए अपने इस कार्यक्रम का शुभ श्री गणेश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो एक पर्व है ये सिर्फ खरीदारी का पर्व नहीं है, ये पर्व है नई ऊर्जा के संचार का। आज आप जितना ध्यान साधना, अपने घर को जितना आप साफ सुथरा करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके माइंड स्पेस के यानी कि आपके दिमाग को भी हल्का करता है, आपकी मनोस्थिति को भी बेहतर करता है, जिस ऊर्जा का संचार आप फिर पूरे साल उसका लाभ उठा सकते हैं। देखिए अब बात करें, दीपावली तो प्रदोष काल के समय पे मनेगी और रात्रि जो अमावस्या जब शुरू हो जाती है, जैसे सायं 6:20 से लेके रात्रि 11:30 तक जो है अच्छा मुहूर्त है जब आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन पूजा के समय कुछ बातें हैं जिनका आप विशेष ध्यान रखें, वो ये हैं कि अक्सर हम अपने घर में बैठी हुई लक्ष्मी जी के साथ साथ सरस्वती माँ को लाना भूल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सरस्वती माँ जो है वो सद्बुद्धि और ज्ञान की देवी हैं। बिना सद्बुद्धि के जो माया भी है वो भी कई बार व्यर्थ हो जाती है। देखते हैं कि गलत ढंग से कमाया हुआ धन जो है वो फिर गलत कामों में या अस्पतालों में कैसे व्यर्थ हो जाता है पता ही नहीं चलता। इसीलिए ज्ञान की देवी की स्थापना करनी भी अवश्य होती है, गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती माँ, और उसके साथ साथ धन धान के देवता कुबेर जी की स्थापना और धन्वंतरी जी की स्थापना भी हमें अपने घर अवश्य करनी चाहिए। जी हाँ, और बहुत लोगों का सवाल होता है कि दिवाली में हम सफाई करते हैं, हम अपने घर को सजाते हैं, उसका विशेष कारण जो है उसका विशेष कारण यही होता है कि देखिए काली रात होती है, अमावस्या की रात होती है, लेकिन अमावस्या की रात को भी हम जब खुद अपने घर को सजा लेते हैं, हमारे दोस्तों के घर सजे होते हैं, आसपास जो है बहुत ही प्रकाशित माहौल होता है, हम दीपों का दान करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, तो अमावस्या वाली रात भी जो है वो सबसे सुंदर रात बन जाती है। तो ये इसी बात का को दर्शाता है कि हम अपने बाहर की सुंदरता और फिर अपनी अंदर की सुंदरता को किसी भी समय प्रकाशित कर सकते हैं। अपने हिस्से का दिया हमें खुद ही जीवन में जलाना होता है, बी योर ओन लाइट। कितनी भी जीवन में परेशानियाँ हों, कितने भी दुख हों, जो सभी के जीवन में आते हैं, स्वयं श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम रहते हुए प्रभु थे हमारे, उनके जीवन में भी जब उन्होंने मनुष्य योनि में जन्म लिया तो कितने कष्ट आए। तो हमारे सभी के जीवन में कष्ट आएंगे, लेकिन उन्हीं कष्टों को हम कैसे उनसे उभर सकते हैं, दिवाली वाली रात हमें ये सिखाती है। और दिवाली वाली रात में जब हम पूजा साधना करते हैं, उस साधना का पूर्ण जो योग है, पूर्ण जो उस साधना का असर है वो हमें पूरे साल फिर देखने के लिए मिलता है। बहुत
अभी आप देखिए, एक तारीख को भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, क्योंकि एक तारीख को भी उदया तिथि के साथ साथ तीन पहर तक जो है अमावस्या रहेगी शाम तक। तो आप एक तारीख को, जो लोग साधक हैं, जो लोग ध्यान साधना सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, वो एक तारीख को भी पूजा अर्चना कर सकते हैं, उसका भी उन्हें बहुत लाभ पहुंचेगा। स्वाति नक्षत्र है एक तारीख को, और अगर हम बात करें अमावस्या और प्रदोष काल, तो हमें 31 तारीख को मिल ही रहा है। इसके साथ साथ आप अपने घर में जो है पौधे लाइए, घर में पॉल्यूशन फ्री दिवाली जो हम कहते ही हैं, घर में पौधे लाके उन पौधों को नर्चर करिए तो आपका बुध बेहतर होगा। घर में यंत्र लाइए, हैंडीक्राफ्ट्स लाइए, जो आपके घर को ना सिर्फ सुंदर बना पाए बाकी आपके घर के वास्तु को भी सुधार पाए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं आपके घर के वास्तु को सुधारने के लिए। जो आपके घर की एंट्रेंस होती है, यानी कि जिस दरवाजे से लक्ष्मी आकर घर पर, साफ सफाई के साथ साथ अगर हम देखें तो साथ सजावट भी बेहद अहम होती है अगर माँ लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना हो। ओम प्रकाश जी हिंदू धर्म गुरु हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बार हम देख रहे हैं ओम प्रकाश जी की तारीखों को लेकर एक कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है। 31 में भी कुछ लोग दीपावली मना रहे हैं, एक तारीख में भी मना रहे हैं। ऐसे में कोई ऐसा साधारण सा तरीका अगर आप बता पाएं जो लोग दोनों ही दिन कर पाए, क्योंकि त्यौहार का वक्त है तो जाहिर सी बात है कि व्यवस्था जो है वो भी ज़्यादा रहेंगी, लोग बिजी रहेंगे। ऐसे में कोई ऐसा उपाय हो जो दोनों दिन अगर लोग कर लें, कि जिन्हें ये भ्रम न रह जाए कि आज करना था या कल करना था, कोई ऐसा उपाय कि दोनों दिन कर लें और नैया पार हो जाए। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, वागवादिनी माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, और आपकी समस्त टीम को बहुत बहुत साधुवाद जो आप अपने और हमें एकत्रित करके और समाज में ये हमारे द्वारा आप जो ज्ञान है, जो भी यहाँ से हम सूचना दे रहे हैं, वो आप समाज तक पहुँचा रहे हो, और समस्त आपके दर्शकों को मैं इस दीप मालिका के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जी। चारू जी, दीपावली ने पांच पर्व हमारे भारतवर्ष में 5 दिन का ये दीपावली पर्व है। सबसे पहले त्रयोदशी तिथि आई थी, जिस दिन भगवान धन्वंतरी जी का अवतार हुआ था समुद्र से। धन्वंतरी कौन हुए? अब हमारे यहाँ देखो एक बड़ी विडंबना है और प्रथा बन गई है, झाड़ू लाइए, बर्तन लाइए, जबकि मूल रूप में क्या था, भगवान धन्वंतरी समुद्र से आयुर्वेद को लेके आए थे। क्या आया था उसमें? त्रिफला, आंवला, हेड़ा, बहेड़ा, अनेक प्रकार की औषधियां उस अमृत कलश में धन्वंतरी जी के द्वारा इस भूलोक में आई थी। और उसी दिन से जितने भी हमारा आयुर्वेद है उस दिन से आरंभ हुआ। आज नरक चतुर्दशी है। नरक चतुर्दशी क्यों, थोड़ा मेरे को स्पर्श करते हुए जाना पड़ेगा जी। नरकासुर भौमासुर को कहते हैं, तो उस समय उसका इतना अत्याचार था कि समस्त राजाओं की कन्याएं स्त्रियों को हरण कर करके अपने भोग उपभोग के लिए वो बंदीगृह में, कारागार में बंद कर देता था, बंद थी। आज यहां पर यह भी प्रश्न होता है कि भगवान कृष्ण की इतनी पत्नियां कहां से आ गई, तो यहीं से उसका उत्तर भी मिल जाता है। यही 16,000 उन कन्याओं को भगवान ने भामासुर का आज के दिन में उसको मृत्यु प्राप्त करवा करके उन 16,000 कन्याओं को मुक्त करवाया था। और उन कन्याओं का एक प्रश्न था, प्रभु अब हमें समाज में कौन स्वीकार करेगा, तो भगवान ने एक क्षण में उन कन्याओं को वरण किया था। तो 8 पत्नियां तो भगवान की थी, 16,000 ये। आज नरक चतुर्दशी है। इसके बाद में अब आ जाते हमारे दीपावली, जो आपने प्रश्न किया दीपावली कब मनानी चाहिए। हमारे यहां कोई भी तिथि पूर्ण तब मानी जाती है जब वह सूर्य को भी स्पर्श कर ले और संध्या को भी स्पर्श कर ले, तब हमारे यहां पूर्ण तिथि मानी जाती है। चूंकि 31 तारीख को दोपहर में 3:00 से अमावस्या आरंभ हो रही है जी, और जो 1 तारीख को लगभग 6:00 तक रहेगी, मेरे पास है कैलकुलेशन की जी आपको,
हमारे ज्योतिष आचार्य जी भी बता देंगे जी। इसका मतलब यह होगा एक तारीख को जो अमावस्या तिथि है उसने सूर्य उदय को भी स्पर्श किया है और दिन के मोक्ष काल को भी स्पर्श किया है, सायं गौधूली धूल्यर्क के समय को भी स्पर्श किया। और शास्त्र में एक लिखा हुआ है एक घटी भी यदि सूर्यास्त को स्पर्श जो तिथि करेगी वह तिथि पूर्ण रूप से मानी जाएगी, ऐसा धर्म सिंधु में और निर्णय सिंधु में इसका पूर्ण वर्णन है, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं, यहां पर प्रश्न भी आया कहीं जगह में कि उस दिन प्रतिपदा है, नंदा तिथि में दीपावली पूजन निषिद्ध है, किंतु जब अमावस्या तिथि ने उस सूर्यास्त को एक घटी नहीं है, एक घटी का मतलब 24 मिनट होता है, दो घटी का मतलब हो गया 24 दुना 48 मिनट, तो 48 मिनट तक हमारे यहां सूर्यास्त के बाद में यह अमावस्या व्याप्त रही, तो उसके बाद लगने वाली जो नंदा तिथि है वह नंदा तिथि वृद्धास्त वृद्धा मानी जाती है जी। मतलब महत्वहीन है क्योंकि न उसने सूर्यास्त को स्पर्श किया न उसने सूर्य उदय को स्पर्श किया। अतः धर्म सिंधु में भी और निर्णय सिंधु में भी स्पष्ट रूप से वर्णन है कि दीपावली का जो महापर्व है वह एक तारीख को पूरी रात्रि में मान्य मानी जाएगी जी। ठीक है, हमारे साथ एक और गेस्ट हैं एस्ट्रोलॉजर मृगेंद्र चौधरी जी। मृगेंद्र जी देखिए, अब ये पूछना कि शुभ मुहूर्त क्या है, हालांकि मधुर शास्त्री जी ने इतनी अच्छी बात कह दी है कि बस भाव अच्छे होने चाहिए तो बाकी कुछ नहीं देखना है, लेकिन फिर भी अगर शुभ मुहूर्त की बात कर लें तो फिर शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है जिसमें पूजा सबसे ज्यादा फलदायी होगी? देखिए, थैंक यू चरण जी आपका। देखिए, बिना भावना के तो पूजा हो ही नहीं सकती है, अगर आपकी भावना प्रबल है तो अगर तो आप फिजिकल पूजा भी नहीं करते हैं, अगर पदार्थ आपके पास अवेलेबल नहीं है तो शंकराचार्य जी ने आपको मानसोपचार भी बताया है, आप मानसोपचार भी कर सकते हैं, तो मन की भावना तो होनी चाहिए, परंतु कहीं ना कहीं नक्षत्रों का, ग्रहों का और जो है लग्न कुंडली जो बनती है उसका भी एक अपना प्रभाव होता है। अब देखा जाए ज्योतिष के अंदर तो जो शुक्र ग्रह है उसके ऊपर जो है माता लक्ष्मी का पूर्णतः प्रभाव माना जाता है, यानी शुक्र ग्रह जो है माता लक्ष्मी के अंतर्गत ही आते हैं। तो कार्तिक मास की जो अमावस्या है वो 31 को भी पड़ रही है, 3:52 से स्टार्ट हो जाएगी और जो 1 तारीख को है 6:16 तक वो रहने वाली है। अब भगवान शिव जो है पद्म पुराण में कार्तिक जी को बोलते हैं, कार्तिक जी को, कि भाई अगर अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन किया जाता है तो धन की वृद्धि होती है, अगर वो प्रतिपदा के दिन कर लिया जाए तो धन का नाश हो जाता है। ठीक है, एक तो ये व्यू है। दूसरा है कि भाई ब्रह्म पुराण में ये कहा गया है कि कुबेर और माता लक्ष्मी रात्रि में ही आपके घर में गमन करते हैं, तो अगर हम इस पक्ष को सामने रखते हैं तो जो दिवाली है लक्ष्मी पूजन वो 31 तारीख को ही हमें करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी पूजन के बाद हम अपने घर में पांव भी मनाते हैं कि माता का आगमन हो और घूम के जाए, और प्रतिपदा को तो जो फिर जो है अमावस्या नहीं रहेगी। तो एक तो ये पक्ष हो गया, दूसरा ये है कि भाई 31 तारीख को प्रदोष काल में स्थिर लग्न भी बन रहा है। स्थिर लग्न मतलब जो स्थिर रहे, इसमें वृषभ लग्न बनेगा, ठीक है, और वृषभ के जो स्वामी है वो शुक्र बनते हैं, तो वृषभ लग्न जो रहेगा वो रहेगा 6:27 से लेकर के 8:23 तक। तो अगर आप इसको देखें, प्रदोष काल भी है, अमावस्या भी है और वृषभ लग्न भी बन रहा है, तो ये सबसे बेस्ट समय रहेगा ज्योतिष के हिसाब से पूजा के लिए। तो इसमें आपको लक्ष्मी पूजन जरूर करना चाहिए, इससे आपको पूर्णतः फल प्राप्त होंगे जी। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे आप बता रहे हैं सवाल, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है मृगेंद्र जी, एक ऐसा मुहूर्त अगर आप दोनों तारीखों का बता पाए, क्योंकि कुछ लोग 31 तारीख को दिवाली मनाने वाले हैं और कुछ लोग 1 तारीख को, तो ऐसा ना हो कि किसी एक दिन वाले जो हैं वो हताश निराश हो जाए कि हमारे लिए नहीं बताया गया, तो क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं वो कोई 31 को मनाएगा कोई 1 तारीख को। देखिए, मेरे हिसाब से तो 31 को ही मनाना चाहिए, बाकी इसमें स्वतंत्रता है आपकी, आप कुछ भी कर सकते हैं, अलग अलग आचार्यों को अपना अपना मत है, तो उनका जो फल है वो भी उसके ऊपर डिपेंड करेगा, सबका अपना अपना मत रहता है। जैसे आपकी जो शिक्षा हुई है, जिन आचार्यों से आपने सीखा है, जो जो आपने ग्रंथ पढ़े हैं, तो उसके हिसाब से जो व्यक्ति जो है आपको बताता है, तो सबका अपना अपना अलग मत है, मेरे हिसाब से तो 31 तारीख को ही होना चाहिए। ठीक है, मधुर शास्त्री जी, आपने बहुत जिस दौरान जब आपका शुरुआत की थी तो कुछ मंत्र पढ़े थे, कुछ अच्छी बातें बताई थी, अगर ऐसे ही कुछ आसान से मंत्र आप बता पाए जो हमारे दर्शक जो हैं उन्हें अगर बोले, उनका वर्णन करें या उनका उच्चारण करें, तो उन पर माँ की कृपा हो जाए, गणपति जी की कृपा हो जाए।
धन्यवाद चारण जी। एक्चुअली में क्या है कि पता नहीं क्यों ये सब देखने को मिलता है कि लोग अपने भ्रम में लगे हुए हैं, एक उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, ना जाने क्यों। जो पर्व है उस पर ध्यान किसी का नहीं है, बस हर व्यक्ति अपनी रोटी सेकने में लगा पड़ा है। मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सत्यता यह है कि व्यक्ति को जो बताना चाहिए, जो चीज़ें प्रस्तुत करनी चाहिए, उस पर कोई ध्यान ही नहीं है। वास्तविकता आती है कि माइका देखो, हमारे धर्म गुरु हुए आदि गुरु शंकराचार्य जी हुए, या अभी के कोई भी संत महापुरुष हैं, वो सब अपनी अपना मत रखते हैं। जैसे मान्यवर ने कहा, मेरा भी बस एक ही निवेदन है। मैं देखिए इस डिबेट में ज़्यादा वो नहीं कहूँगा कि 31 को मनाओ या 1 को मनाओ। स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं आप, और हम पर आप लोग विश्वास करते हैं, इसलिए आप हमसे पूछ रहे हैं। आप लोगों का विश्वास बरकरार बना रहे, इसलिए हम भी प्रयास करते हैं कि हम आपको एक अच्छी एक मार्ग दिशा दे सकें, एक आपको एक शुभ संकेत दे सकें कि आप इस मार्ग पर जाएं। कहने का अभिप्राय, मान्यवर ने अपना मत रखा और मेरा अपना मत है कि हमें 1 तारीख को पूजन करना चाहिए। जैसा संपूर्णानंद विश्वविद्यालय काशी से मैंने अध्ययन किया है, अपने गुरुओं से भी सुना है। देखिए सबकी अपनी अपनी राय, सब अपने अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ ये समय है। मात्र देखिए, हमारी 3 रात्रियाँ होती हैं चारों जी। सबसे पहली कालरात्रि, मोहरात्रि, महारात्रिश्च दारुणा, 3 रात्रि होती हैं ये। जैसे नवरात्रि, उन्हें 9 दिन क्यों नहीं कहते हैं? लोग दिन में पूजा करने में लगे रहते हैं, लेकिन रात्रि क्यों शब्द उपयोग किया गया? इसीलिए किया गया है कि माई की आराधना करो, इस झंझट में ना पड़ो। अगर आप कह रहे हैं 31 की, तो मैं कहता हूँ 31 को भी पूजा करो, भगवान की माई की पूजा करो, और बड़े भाव से। मेरा अपना एक छोटे से मैं 2 पंक्ति लेकर के आया हूँ। मैं अपने मार्ग दर्शक जितने भी यहाँ पर बैठे हुए, जितने भी हमारे अतिथि हमें देख रहे हैं, और आप भी, कि माई के सामने बैठ करके बड़े सुंदर भाव से एक मेरी स्तुति मैं कहना चाहता हूँ, उसे सुनेंगे। पर्वतों की खोल में भी ज्योत जगमगा रही, गा रहे हैं योगी भोगी विश्वमान पा रही। कामना करे सभी की पाप ताप हारणी, कोटि सा प्रणाम मां तुम्हें मनो निवासनी। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की भी विलंब होती साधना, फिर भी मान देखती कभी विचित विलासना। भोग भोग घोर 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 पाप नाशनी, कोटि सा प्रणाम मां तुम्हें मनो निवासनी। कण कण में विराजमान है मां भगवती, पराम्बा जगत जननी जगदम्बा मां लक्ष्मी। माई के सामने बैठ करके सबसे पहले एक लाल पुष्प आसन डालिए, माई के चरणों में बैठ करके 31 को भी बैठिए और 1 तारीख की भी शाम को बैठिए। मान्यवर ने भी कहा, भाई साहब ने भी कहा, मेरी बहन बैठी हुई उन्होंने भी कहा, मैं किसी के उसमें तर्क नहीं रखूंगा। तो माई के सामने एक आसन डालिए, अगर आपके पास पीला हो पीला डालिए, लाल हो लाल आसन डालिए, और माई के ऐसे बैठ करके माई से बस जितना हो सके, आप पे कुछ भी नहीं आता है तो जय माँ। अपनी माँ को तो याद रखते हैं, जय माँ करते रहो, क्लिम काल काय नमः करते रहो। नहीं, माई का इतना प्यारा एक मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करो, ये भी नहीं कर पाते हो, ओम क्लिम काल काय नमः, दोनों दिन आपके अनुसार अगर आपकी बात रखी जाए तो माई की आराधना करो। मेन उद्देश्य हमारा आराधना पूजन होना चाहिए, इन चक्रों में झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए, जैसा आचार्य जी मेरा मत। चलिए, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। यकीनन भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं, अगर आप सच्चे भाव से कुछ भी करते हैं तो उसका निश्चय ही एक शुभ फल आपको मिलता है। आगे भी इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश की आखिर आपको दीपावली कैसे मनानी है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अलंकृता जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि देखिए, हमने शास्त्री जी से मंत्रों के बारे में पूछा, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि जब हम पूजा करते हैं तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आरती नहीं करनी चाहिए, तो क्या ये सत्य है कि आरती नहीं करनी चाहिए? या फिर क्योंकि जिस तरह हमने अभी कहा कि कथाएं अनेक होती हैं, तो उनमें से ही एक तथ्य ये भी है।
देखिए ये बात सत्य है चारू जी के आरती जो है अक्सर जब हम पूजा अपनी समाप्त करते हैं तो आरती माँ लक्ष्मी की गा के अपनी पूजा को समाप्त कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लक्ष्मी माँ को हम एक तरह से उनको अपने घर में बुलाते हैं, उनको स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि वो स्थिर रूप से हमारे घर में बनी रहें, सौभाग्य और जो पैसा है उसका संचार जो है वो घर में हमेशा रहे, तो आरती का मतलब होता है कि अब आपने प्रभु को जो है वो गुड बाय कह दिया। तो यहाँ पे माँ का जब हम पूजा करें तो शुरुआत में गणपति जी की आराधना के बाद माँ के मंत्रोच्चारण के साथ शुरुआत में आप आरती करें, लेकिन पूजा का समापन जो है वो आरती में के साथ ना करें। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है, देखिए जो पैसा होता है वो भी ऊर्जा ही होता है, आज मैं आपको देती हूँ आप किसी को देती हैं लौट के फिर वो आपके पास आता है। तो दीपावली का मेन अर्थ जो होता है वो ये भी होता है कि हमारा एक उत्तरदायित्व बनता है जो हमसे कमज़ोर हैं उन्हें भी दिवाली मनाने का मौका दें। तो सबसे पहले शुरुआत जो हमारे साथ कर्मचारी हैं हमारे घर में, जो हमारे साथ काम करने के लिए आजकल सबके पास घर में कोई ना कोई होता है, हमारे घर में मेड्स हैं, हमारे गार्ड्स हैं, हम उनकी दीपावली जब शुभ कर देते हैं, उन्हें उन उपयोग की चीज़ें देते हैं तो हमारी दीपावली खुद ब खुद शुभ हो ही जाती है, क्योंकि दीपावली में तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए ये हम कामना करते हैं। और हमारे हिंदू धर्म की सबसे सुंदर बात यही है कि हम जब दूसरों के मंगल की कामना करते हैं हमारा मंगल स्वयं उसमें हो ही जाता है, और जब हम दूसरों का घर सजा हुआ देखते हैं तो हमें एक खुशी मिलती है, अपना घर सजाते हैं तभी हम जो है प्रकाशित महसूस भी करते हैं। तो यहाँ पर आप अपने जो गरीब हैं या जिन जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है बोलना नहीं चाहिए, सभी अपनी अपनी जगह अमीर होते हैं अपने घर में, तो वहाँ उनकी ज़रूर आप मदद करें, जो प्रभु को आप भोग लगाएं पंचमेवा भोग लगाएं, आप जो भी प्रभु को अर्पण करें आप वो प्रसाद रूप में ही बेशक कुछ उन्हें ज़रूर बांटें, जिससे उनकी दीपावली जो है वो बहुत खुशहाली के साथ बैठे उन्हें महसूस हो, क्योंकि पूरा साल वो इंतज़ार करते हैं कि दीपावली में उनके उपयोग की चीज़ें उन्हें मिलेंगी, इस बात का आप खास ख्याल रखें। और आजकल जो है दीपावली इको फ्रेंडली हो गई है, तो घर में जो है तेल के दीपक की जगह आप पानी के दीपक जला रहे हैं, पानी का दीपक प्रज्वलित करने का बहुत ही प्यारा तरीका है कि आप थोड़ा सा दिया में पानी लें, 30% उसमें थोड़ा सा तेल आप यूज कर सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल तिल का तेल डाल सकते हैं, उस दिए की प्रज्वलन से जो आपके घर की ऊर्जा बदलेगी, इवेपोरेट होगा वो पानी, उससे आपके आसपास की ऊर्जा भी सकारात्मक होगी। इसके साथ साथ आप सॉल्ट लैम्प जलाइए अपने घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए, तो जब नमक आपके घर में इवेपोरेट होता है तो कीटाणु तो नष्ट होते ही हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है और जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो भी घर से दूर हो जाती है। इसके साथ साथ आप पीली सरसों कपूर और थोड़ा सा अगर लौंग अपने घर में पूरा चारों ओर दिखा देंगे तो उससे भी आपके घर में कई तरह के नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश कर जाती हैं, और दिवाली वाले समय वैसे ही बहुत सेंसिटिव समय होता है, इसीलिए जो है जब हम दीपक जलाते हैं तो हम दीपक अपने जल के केंद्र पे चौराहे पे अपने घर के द्वार पे अपने घर के चौखट पे अपने घर के सभी मेन पूजा के केंद्र पे तिजोरी के केंद्र में रखते हैं, क्योंकि उसका मतलब यही होता है कि जो फायर एलिमेंट है जब फायर एलिमेंट किसी जगह पे लिट रहता है तो वहाँ पे अपने आप कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जो है नहीं आती। तो इन सब छोटी छोटी बातों के साथ आप दीपावली मना सकते हैं, खरीदारी करें ना करें मन जो है आपका भाव जो है वो प्रेम से भरा होगा, मन आपका जब साफ होगा और प्रफुल्लित होगा तो अपने आप दीपावली तो मन ही जाएगी। जी ठीक है, मैं आना चाहूँगी मृगेंद्र जी के पास। मृगेंद्र जी, अगर हम राशियों के हिसाब से देखें जी, तो राशियों के हिसाब से किस तरह से पूजा जो है वो की जा सकती है, इसी के साथ साथ दीपावली की जो रात होती है अमावस्या की रात होती है कई लोग इस दौरान तंत्र क्रियाएं भी करते हैं, तो ऐसी क्या विधि हो सकती है कि लोग जो किसी का हित नहीं चाहते हैं या ऐसी समस्याओं से बचने के लिए वो किस तरह के उपयोग जो है वो कर सकते हैं, क्या ऐसा करना चाहिए? देखिए जनरल उपाय हैं, जनरल जो पूजा है उसमें आप सबसे पहले गणपति जी की पूजा करेंगे, ओम गम गणपते नमः, इस बीज मंत्र का आप 108 या 1008 बार जो है पाठ कर सकते हैं। उसके बाद गणेश जी को दुर्वा थोड़ा सा दूध और मोदक आप अर्पित करिए। उसके बाद माता लक्ष्मी के बीज मंत्र श्रीम को अगर आप बड़ी की मात्रा जोड़ देके बोलेंगे ना श्रीम बनता है, इसका आप 108 या 1008 पाठ करने के बाद जो है उनको आप
बेसन सॉरी खोए की बर्फी और थोड़े से रसगुल्ले अर्पित करिए, इत्र अर्पित करिए, श्रीफल अर्पित करिए। इसके साथ वरुण देव की पूजा भी आपको करनी चाहिए, वैसे वो लक्ष्मी जी के पहले कर लें तो अच्छा है, वरुण देव की पूजा करनी चाहिए और उनको भी आपको दूध और जो है नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई अगर आपको धन की समस्या आई हुई है तो उसमें कुछ तांत्रिक उपाय होते हैं छोटे छोटे या कुछ वृहद उपाय भी हैं। अगर छोटी मोटी समस्या है तो जो श्रीम बीज मंत्र है उसके द्वारा आप जो है बेलगिरी लेकर के उसको शहद में डुबो करके आम की लकड़ी के अंदर 1008 आहुति डाल देंगे तो इससे जो है लक्ष्मी जो है प्रसन्न होती हैं और आपको जो धन का जो आगमन आपके घर में हो जाएगा। अगर समस्या बहुत ज़्यादा है तो आप इसके साथ साथ 1000 बेल पत्र भी लेंगे, उनको भी शहद में डुबो लेंगे और साथ में कमल के पत्ते या फिर गुलाब की पत्तियाँ उनसे जो है अगर आप 1008 आहुति दिलवा देते हैं तो उससे भी जो है आपको धन का आगमन होगा। अब बात करते हैं तंत्र क्रिया की। अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया कर दी है तो सबसे पहले आपको नवान मंत्र का जो है निष्कलन करने के बाद उसके बाद शाग मोचन कर लीजिए, निष्कलन कर लीजिए। देवी कवच का पाठ करने के बाद, अगला और कीलक का पाठ करने के बाद आप जो है नवान मंत्र के द्वारा गुलाब को जो है गुलाब की पंखुड़ियों को शहद में डुबो करके इसमें आप पीपल की लकड़ी के द्वारा अगर आप हवन करते हैं आईं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र के द्वारा तो अगर आप 1008 आहुतियाँ डाल देते हैं तो किसी भी कितना ही स्ट्रांग तंत्र मंत्र यंत्र क्यों ना हो वो तो है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अभी और भी खास मेहमान हैं, मैं आपके पास आना चाहूँगी ओम प्रकाश जी। अगर हम बात कर लें दिवाली की तो दिवाली के विधान के बारे में कुछ बताइए और इसी के साथ दीपावली के बाद भाई दूज भी है उसको लेकर भी कुछ जानकारियाँ दीजिए। चारू जी, जी आपके दर्शकों को मैं एक विशेष बात बताना चाहता हूँ जी कि हम दीपावली मनाते क्यों हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। दीपावली के दो विषय हैं, एक विषय है कि दधि दुर्वासो चन फल फूला और नव तुलसी दल मंगल मूला के अवधपुरी प्रभु आवत जानी और भई सकल शोभा के खानी। भगवान रामचंद्र 14 वर्ष बाद अयोध्या में आए जी और घर घर जो दीप जले जी उस उत्सव को भी दीपावली कहते हैं जी। जो दीप हम सायंकाल दान करते हैं और निशीथ में एक होगी निशीथ एक होगी महानिशीथ जी। महानिशीथ काल में समुद्र मंथन हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप के बद के उपरांत समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन से ये 16 रत्न निकले थे। उन 16 रत्नों में जैसे अभी बताया मैंने धन्वंतरी जी, चंद्रमा, अमृत कलश और कामधेनु गाय, ध्यान रखना कामधेनु, ये कामधेनु जो आई थी इसके बाद कौन आई, लक्ष्मी आई है। तो दीपावली आपने पूछा कैसे मनाना चाहिए, अब मुझे अपने बचपन की याद आ गई। हम 8वीं क्लास तक गांव में थे तो सबसे पहले गायों के साथ जाते थे, एक वर्ष में एक ही दिन था दीपावली की सुबह, हम हमेशा अपने गायों को फूल तोड़ के लाते थे, उनको फूल मालाएं पहनाते थे, उनको जो हमारे यहाँ सामा चावल होता है उसका साबुत को पीस करके उसका आटा बना करके उन गायों को एक दिन वर्ष में गायों को खिलाते थे, गायों का तिलक करते थे, उनके सींगों में तेल लगाते थे, उनको फूलों से बनी माला पहनाते थे। दिन में हमारे माता पिता, फिर हम गाय के साथ जाते थे, खीर पूड़ी बनती थी, दिन में हमारे माता पिता पयो से अपने पितरों का यजन तर्पण करते थे और सायंकाल में हम उस दीपावली के पर्व को मनाते थे जी। आपने बोला दीपावली कैसे मनानी चाहिए, देखो हमारे यहाँ शास्त्र में एक सबसे पहले विधान है देवो भूत्वा देवो यजेत। सबसे पहले हम किसी भी देवता की पूजन करते हैं तो आप उसके जैसा शरीर स्वरूप धारण करना चाहिए। जैसे सौभाग्य स्त्री हो तो अपना संपूर्ण सौभाग्य को धारण कर करके फिर माँ लक्ष्मी को किसमें आप रक्त किसी आसन पर बिठा करके और वहाँ पर घी दूध दही शहद शक्कर रोली मौली चंदन आदि से पूजन, कमल पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। रात्रि काल में कमल गट्टे से अभी जैसे आचार्य जी ने बताया आपके उसमें भी मिल जाएगा तो
जो महालक्ष्मी का मंत्र है उस महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करना चाहिए। और इस तरह से देखो जो भी राशियां हैं अब दान के बाद जो अगर कोई साधना है इसके लिए तो उसके लिए सबसे अच्छा है महानिशीत काल, घर में पूजन करने के लिए शुक्र की घोरा ले लो। तो शुक्र का जो अभी टाइम पता लग जाएगा आपको कि शुक्र कब से कब तक रहेगा। और व्यापार के लिए सूर्य की, तो सूर्य जब हमारा लग्न सूर्य का लग्न आएगा तो तब सूर्य के लग्न में व्यापार की पूजा करनी चाहिए और शुक्र के लग्न में अपने घर में महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। ठीक है शास्त्री जी, अभी जैसे ओम प्रकाश जी ने भी बताया, अगर आप थोड़ा शॉर्ट में ये बता पाएं कि जैसे किसी को धन की समस्या है तो वो क्या करे, किसी को नौकरी में समस्या है वो क्या करे, घर में कलेश है तो क्या करे, विवाह नहीं हो रहा है तो क्या करे, ऐसी अलग अलग समस्याएं जो है अगर शॉर्ट में अगर आप इसका जवाब दे पाएं थोड़ा। शॉर्ट में आपको बता देता हूँ जी कि पुनः एक छोटी सी भूमिका बना करके माई के सामने बैठ जाइए, एक लाल आसन ले लीजिए और लाल आसन लेने के बाद में उस पर विराजमान होने के बाद में मैं थोड़ी सी प्रक्रिया बताना चाहता हूँ। जी जी जी। हाथ में जल लेकर के आप सबसे पहले आसन को शुद्ध करना चाहिए जो लोग नहीं कर पाते, और कभी भी आरती से भगवान का विसर्जन नहीं होता है, विसर्जन होता है मंत्रों से जी। भगवान की पूजा के बाद विसर्जन किया जाता है, भगवान की नजर उतारी जाती है आरती से। कहने का अभिप्राय मेरी बहन ने कहा, उनका अपना स्वभाव होगा, उन्होंने जैसा पढ़ा होगा, लेकिन आरती से भगवान विदा नहीं होते, माई कभी विदाई नहीं होती है। ऐसे तो जब भी आप जय जगदीश हरे आरती करते हैं उसके बाद भोग लगाया जाता है, आरती के बाद में जो पकवान बनता है उसी प्रकार से माई के सामने बैठ करके पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि सुतलम छंदहा कूर्मो देवता आसन पवित्र करने विनियोग, जल छोड़ करके पहले आसन को पवित्र करें, उसके बाद में अगर घर में लक्ष्मी की आवश्यकता है व्यक्ति को, धन की, हर किसी को आवश्यकता है। बिल्कुल, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि अगर आपके पास धन नहीं है तो आप धर्म नहीं कर सकते। आज जिसके ज्यादा फॉलोवर हो जाते हैं उसी की व्यक्ति पूछ हो जाती है जी। आजकल की तो जनरेशन आचार्य जी यही चल रही है कि फॉलोवर ज्यादा है तो उसने जो बात कह दी वो सिद्ध है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी को धन की आवश्यकता है कमलगट्टी की माला ले, मंत्र इस प्रकार से मैं दोबारा बता रहा हूँ, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र से 108 बार 1008 बार व्यक्ति को जाप करना चाहिए, अगर नहीं कर पाता है तो 108 बार तो नॉर्मल करना ही चाहिए जी। अगर किसी की नौकरी से संबंधित परेशानी आ रही है तो माई के पास में बैठ करके ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मी नमः इस मंत्र का व्यक्ति को जाप करना चाहिए और अनवरत करना चाहिए जितना ज़्यादा। ऐसा कहते हैं ना कि अगर एक दिन जो सोवत है सो खोवत है जी। जो जागत है सो पावत है। ऐसे ही दृढ़ता से इतना अच्छा त्योहार आया है, इसी समय में माई भ्रमण करती है, जैसे श्रावण मास होता है तो पूरे एक महीने तक भगवान शंकर विचरण करते हैं इस भूमि पर, श्रावण ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही ये 5 दिन ऐसी वेला है कि पांचों दिन माई की आराधना करनी चाहिए, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, ना माई की कैसी कृपा हो जाए। अगर व्यक्ति की विवाह से संबंधित परेशानी चल रही हो तो बहन जी करना चाहिए, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृद्धानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। अगर उसके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का एक मंत्र है, धाम धीम धूम धुरचटे पत्नी बाम बीम बूम बागदीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी शाम सीम तुम में शुभम कुरु। इस मंत्र का उसे बैठ करके रात्रि में पूजन करना चाहिए। मैं दावे से कहता हूँ, एकदम मोहर लगा के कहता हूँ कि अगर व्यक्ति ने इसको पाठ कर लिया तो देवी जी पति पत्नी का सुमधुर भाव से उनका जीवन यापन होगा। और एक अगर कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है तो माई का एक छोटा सा ओम क्लीम कालकाय नमः, माई की आराधना करें, माई का पूजन करें, सभी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है, ये मेरा प्रस्ताव है आपको। ठीक है, क्योंकि जब मंत्रों का जिक्र हो ही रहा है तो मृगेंद्र चौधरी जी भी बहुत अच्छे मंत्र सजेस्ट करते हैं जी। तो मृगेंद्र जी कुछ मंत्र आप भी अगर सजेस्ट करना चाहें ताकि दीपावली जो है उस पर इन मंत्रों के जाप से खुशहाली जो है लोगों के घर में आए जीवन में आए। देखिए जो निष्कल ब्रह्म है वो तो प्रकृति के प्रपंच में रहते ही नहीं है जी। तो सकल ब्रह्म जो है प्रकृति में स्पंदन करते हैं जिससे प्रकृति के विभिन्न शक्तियाँ जो है वो कार्य करती हैं जी। तो 5 तत्व हैं, पांचों तत्वों के अपने गुण हैं, किसी का सृष्टि का गुण है, किसी का स्थिति का है, किसी का संहार का है, किसी का अनुग्रह और निग्रह का है।
तो इसमें जो पालन का जो गुण है वो भगवान विष्णु को और जल तत्व को प्राप्त है। अब भगवान विष्णु को जो पावर पालन करने की शक्ति प्राप्त हुई है उसमें उनका साथ माता लक्ष्मी देती हैं। अब जब हम दुर्गा सप्तशती को पढ़ते हैं तो उसमें माँ चंडिका को महालक्ष्मी बोला गया है। जब आप दिव्य अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं तो उनका बीज मंत्र बनता है हरीम, उसको जब आप फोर्स देके बोलते हैं तो हरीम बनता है, और उसको अगर व्यापक दृष्टि में देखते हैं तो उसी के अंदर ही आया है, उनका मंत्र बनता है क ई ल ह्रीम हस क ह ल ह्रीम सक ल ह्रीम। तो महालक्ष्मी ने सबसे पहले महाकाली को उत्पन्न किया और उनके बाद उन्होंने जो है महासरस्वती को उत्पन्न किया। अब इन तीनों से है दो दो जोड़े निकले और उनमें से एक जोड़ा बनता है विष्णु और लक्ष्मी जी का। तो अब विष्णु जी का बीज मंत्र दम बनता है और लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बनता है श्रीम। अब श्रीम के जो अलग अलग प्रयोग हैं अगर आप इनको ही कर लेते हो, और ये जो त्यौहार है जो अमावस्या का इसमें हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, वहाँ पर महालक्ष्मी पूजन होकर के लक्ष्मी पूजन होता है, तो लक्ष्मी का बीज मंत्र श्रीम ही रहेगा। आचार्य शंकराचार्य जी ने प्रपंचसार तंत्र में इस श्रीम बीज मंत्र के अनेकों ही जो है प्रयोग दिए हैं। अगर आप अपने घर में धन से संबंधित समस्याओं से पीड़ित हैं तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि भी श्रीम बीज मंत्र का आप जप करें, 1008 जो है बेलगिरी शहद में डुबो करके उसका हवन किया जाना चाहिए। अगर आप जो है नौकरी संबंधी समस्या से पीड़ित हैं तो आप इसी बीज मंत्र के अंदर क्या करना है, आपने बेलपत्र के साथ आपने माश यानी उर्द जो है काले मिक्स कर लेने हैं, उससे आपने आहुति देनी है। और अगर आप अपने जीवन में पारिवारिक नकारात्मकता से जो पीड़ित हैं तो बेलपत्र के साथ साथ आप गुलाब के पुष्प को जो है शहद में डुबो करके अगर इससे से आप हवन करेंगे तो आपके परिवार में जो है सामंजस्य बनेगा, क्योंकि शहद जो है मिठास देता है और गुलाब जो है वो भी प्रेम का प्रतीक माना जाता है, तो निश्चित तौर पर जो है आपके परिवार में शांति बन जाएगी। ठीक है अलंकृता जी, आज हम देखते हैं कि दिए जलाए जाते हैं, नरक चतुर्दशी है, ऐसे में दिए कहाँ पर जलाएं और कितनी संख्या में जलाएं ये भी बताइए। देखिए आज दीप दान का बहुत महत्व होता है और दीप प्रज्वलित करने से हमारे आसपास की नकारात्मकता तो दूर होती ही है, हमारा मन भी पावन होता है। और ऐसे में 5 मेन केंद्र हैं जहां हम दीपक जला सकते हैं। सबसे पहले तो हम अपने घर में प्रभु को दीपक जलाते हैं, फिर हम यम के नाम का दीपक, जैसे कल धनतेरस थी तो यम के नाम का दीपक हमने जलाया, जो जिसके 4 मुंह होते हैं तो वो वहाँ छोड़ दिया। अपने पूर्वजों के नाम से हम एक दीपक ज़रूर जलाते हैं। जल के केंद्र में हम दीपक को ज़रूर प्रज्वलित करते हैं और चौराहे पे हम दीपक सबके मंगल कामना के साथ रख के आते हैं, और बाद में उसके बाद अपनी चौखट पर दीपक जलाते हैं, अपने घर में दीवारों को दीपक से सजाते हैं। और जो रात्रि का दीपक होता है वो अखंड दीपक होता है जो पूरी रात्रि जलना चाहिए, और अक्सर मान्यता है कि हम दिवाली वाले दिन जो है वो अपने घर के दरवाजे खुले रखते हैं और ये कोशिश करते हैं कि घर का दरवाज़ा जो है प्रवेश द्वार में कोई भी अड़चन ना हो, कोई भी ऐसी, ताकि लक्ष्मी माँ वहाँ से प्रवेश कर सके और पूरी रात्रि जो है ये दरवाज़ा का मुख जो होता है खुला होता है। एक बात का खास ख्याल हमें दीपावली वाले दिन और बाकी दिनों में भी रखना होता है कि जो पुरुष जन, अभी मेरे भाई ने बहुत अच्छा मंत्र बताया लेकिन शायद वो पुरुषों के लिए था, उसमें महिलाओं को भी जो योग्य वर चाहिए तो वो मंत्र बताना भी बताइएगा आप। और अच्छी बात है कि इसके आपने इस चीज को नोटिस किया, एक महिला इस बात को नोटिस नहीं कर सकती है जी, क्योंकि उन्होंने मेरी बातों का बहुत अच्छे से तर्क दिया तो मैं उस बात को ध्यान रखूंगी। और दूसरी बात यहाँ पे ये कि आपकी घर की जो महिलाएं हैं वही लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं, आपकी जो पत्नियां हैं जब आप उन्हें वस्त्र दान करते हैं या ज्वेलरी लेकर देते हैं या लाल रंग की साड़ी आज के दिन देते हैं, तो उससे जब अगर वो खुश होंगी तो आपके घर का शुक्र बेहतर होगा, लक्ष्मी माँ भी आप पे प्रसन्न होंगी, आपकी माताएं बहनें, उन्हें आप कुछ तोहफे दें, उनको जब वो आपको आशीर्वाद देंगी तो वो आशीर्वाद भी आपको फलेगा फूलेगा। और घर के जो बुजुर्ग हैं, अक्सर देखिए जो दीपावली में बाहर नहीं जा सकते, अपने ज़रूरत की चीज़ें नहीं खरीदारी कर सकते, तो अपने घर के बुजुर्गों के लिए आप कपड़े लेकर आइए, उनका आशीर्वाद, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद। और कोई भी पूजा जो है बिना पूर्वजों के आशीर्वाद के बिना संपन्न नहीं होती, तो हमारे पूर्वजों के नाम का भी एक दीपक, पूर्वजों के नाम से अलग से कुछ प्रसाद भोजन हमें पहले निकाल देना होता है। इन छोटी छोटी बातों का जब हम घर में वैसे ही ध्यान रखते हैं, घर के बुजुर्ग खुश होते हैं, घर की महिलाएं खुश होते हैं, घर में खुशहाली अपने आप आ ही जाती है, जो हर कोई बहुत आसानी से कर सकता है। मन
मंत्र, मंत्रों का उच्चारण और बहुत विधिवत पूजा हर कोई कर जाए ऐसा संभव नहीं है, लेकिन कर पाए तो अति उत्तम, क्योंकि प्रभु जो है वो सभी जानते हैं कि हम कहते हैं बहुत सरल हैं और भाव के भूखे होते हैं। आप अब जैसे स्टूडियो में इतने अच्छे मंत्रों के उच्चारण के साथ हम स्टूडियो में बैठे हैं, तो हमारी दीपावली तो यही मन रही है और यही जो है अगर अच्छी ऊर्जा का संचार हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि दीपावली जो है वो बहुत ज़्यादा हम जब रिचुअल्स करेंगे तभी पूर्ण होगी, होगी लेकिन फिर भी आप जहाँ हैं जैसे हैं अजपा जाप अपने मन में ही अगर आप कर लेंगे जिस भी इष्ट को आप पूर्ण मन से मानते हैं तब भी आपकी दीपावली जो है वो पूर्ण हो जाएगी। जी मृगेंद्र जी, जी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि दीपावली पर घर नहीं जा पाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो काम में व्यस्त होंगे, कोई ऐसा छोटा सा मंत्र भी है? क्योंकि मंत्रों की जब बात करते हैं तो बहुत बार मन में एक भय होता है कि शब्द इधर उधर ना हो जाए, अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, तो कोई ऐसा छोटा सा मंत्र या कोई ऐसा नाम जो हम पूरे दिन अगर जपते रहें भले ही हम पूजा घर में ना बैठे हों लेकिन उसके जपने से भी कृपा मिल जाए? देखिए जो मंत्र मैंने बताए हैं वो जनमानस के लिए बताया, वैसे तो बहुत बड़े मंत्र होते हैं, उसमें आप जो है आम आदमी उच्चारण ना कर सकता है और ना विधि विधान से वो पूजा कर सकते हैं। वह तो पंचोपचार पूजन होता है, षोडशोपचार पूजन होता है, पंचमृत से भी जो है पूजन किया जाता है, तो उसमें मंत्र भी और रहते हैं, उनके सबके अलग अलग मंत्र रहते हैं, तो वो जो है आम आदमी नहीं कर सकता है, ना तो उसको विधि पता है ना वो उच्चारण कर सकता है। तो जो मंत्र हमने जैसे बताए हैं वो बीज मंत्र ही हैं, गणपति जी का ओम गम गणपते नमः है, माँ लक्ष्मी जी का जो है श्रीम है, इसी प्रकार से आप अगर कर सकते हैं तो आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, आप YouTube पे जाइए आपको मिल जाएगा, उसको आप सुन सकते हैं अगर आप पाठ ना कर सकें, आप कनक धारा स्तोत्र को सुन सकते हैं, श्री सूक्त का अगर आप लगभग 108 बार सुन लीजिए या फिर 11 बार सुन लीजिए, इसी प्रकार कनक धारा स्तोत्र को भी जो है आप 11 बार सुन लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा फल मिल जाएगा। ठीक है शास्त्री जी, एक छोटा सा सवाल, क्योंकि आपने जब शुरुआत की थी तो आपने कहा था कि भगवान भाव के भूखे हैं, आप बस अच्छे भाव से उन्हें पूज लीजिए तो भी कृपा मिल जाएगी। ऐसे में एक चीज़ और समझना चाहूँगी कि जिन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो पूजा घर में जाकर बैठकर पाठ करें, तो क्या हम कहीं पर भी रहकर, जैसे अगर हम अपनी बात कर लें तो क्या हम स्टूडियो में अगर बैठे हैं तो सुन लें, या अगर हम फील्ड में जा रहे हैं तो रास्ते में अगर हम सुन लें, तो क्या उतना भी पर्याप्त है ईश्वर को मनाने के लिए? देखिए चारुल जी, कभी भी मंत्र को उच्चारण करते समय, जैसा मेरा अपना मत है, उन्हें अपने स्लीपर्स नहीं पहनने चाहिए। अगर बात करते हैं करमाला की, तो हम चौपाइयों का उसमें आश्रय ले सकते हैं। चौपाइयाँ जैसे कि व्यक्ति को, अब आपने कहा कि हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं या हम यहीं पे हैं, तो अभी मेरे साथ एक मेरे शिष्य आए हुए हैं तो उनको मैंने एक वो दे रखा है, वो अपने फ़ोन में टिप टिप दबाते रहते हैं, उनके फ़ोन में कोई एक ऐप है, नाम तो मुझे नहीं स्मरण, तो मैंने उन्हें मंत्र दे रखा है, तो मंत्र की अपेक्षा व्यक्ति को अगर चलते समय जाप करना है तो एक एक चौपाई उसे व्यक्ति को बोलनी चाहिए। चौपाई है कि गई बहोर गरीब निवाजू सरल सबल साहिब रघुराजू, इस चौपाई का इतना इतना जाप करो, कोई भी चौपाई ले, मतलब कोई भी चौपाई, क्योंकि जिस मंत्र में ओम लगेगा उस मंत्र को आप स्लीपर्स पहन के नहीं जाप कर सकते। ये मेरा अपना मत है, हो सकता है बहुत से लोग इससे प्रसन्न ना हो, मैं किसी की उसकी नहीं, लेकिन भैया ने बताया श्री सूक्त का, कनक धारा का, और कितने अच्छे श्लोक हैं, मेरे तो जितने भी शिष्य हैं चारू जी, अभी सब लोग आए लगातार, तो उन सबको श्री सूक्त कंठस्थ होगा राम जी की कृपा से, इतना सुंदर है। हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्णारस्तस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीं जात वेदो माभा, सब कुछ वहीं से मिल जाएगा, व्यक्ति सुन मात्र ले। इसलिए भाई जी ने भी बड़ा सुंदर कहा है, और व्यक्ति चलते में यदि यहाँ खड़े खड़े अपने मन में अगर करना चाहता है तो वो चौपाइयों का उपयोग करे, ये मेरा अपना मत। चलिए बहुत शुक्रिया, हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े, एस्ट्रो मृगेंद्र चौधरी जी, अलंकृता मानवी जी, ओम प्रकाश लखेरा जी, मधु शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताकि जो हमारे दर्शक हैं उनके मन में जो भी भ्रांतियां हैं वो सब दूर हो सके और वो जान सकें कि आखिर कैसे उन्हें माँ लक्ष्मी को, श्री गणेश को, धन्वंतरि जी को मनाना है, ताकि खुशियाँ जो हैं उनके घरों में भर जाएँ। हमारे साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, नमस्कार।